आज का वीडियो मेरा उन पेरेंट्स के लिए है जिनका बच्चा 1.5 साल का हो गया है, 2 साल का हो गया है, 2.5 साल का हो गया है, लेकिन बोल नहीं रहा है। और पेरेंट्स को एक चिंता हो जाती है कि क्या रीज़न है ये हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है ना। और वो इंटरनेट में सर्च करते हैं काफ़ी, और जब हम इंटरनेट में सर्च करते हैं कि बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है, क्या रीज़न है, तो वहाँ पर जब सर्च करते समय पहला हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है ऑटिज़म। और पेरेंट्स को फिर डाउट होने लग जाता है कि कहीं हमारे बच्चे को ऑटिज़म तो नहीं, इस कारण वो बहुत परेशान रहते हैं, है ना। और डाउट में काफ़ी रहते हैं कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है, लैंग्वेज डिले है उसको या ऑटिज़म है। तो इसी को क्लियर करने के लिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ, और मैं आपको कुछ ऐसे साइन बताऊँगा, कुछ ऐसे संकेत बताऊँगा जो अगर आपका बच्चा कर रहा है तो वो ऑटिज़म नहीं, एक लैंग्वेज डिले का इशू है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज छेत्री और मैं एक CDA चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। मैं पिछले 13 वर्षों से विकलांगता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इसी टॉपिक के साथ। आजकल जो पेरेंट्स हैं काफ़ी अवेयर हो गए हैं, है ना, और ऑटिज़म को लेकर काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। वो इंटरनेट में देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। और ऑटिज़म का जो सिम्टम, एक कॉमन सिम्टम, वो स्पीच डिले भी है। अगर बच्चा उसका कम्युनिकेशन सही से नहीं हो रहा है, स्पीच सही से नहीं आ रही है, तो वो भी एक ऑटिज़म का कारण है, रीज़न हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली है कि अगर बच्चा, मतलब अगर बच्चे को ऑटिज़म है तो वाकई में उसका कम्युनिकेशन प्रभावित होगा, स्पीच डिले रहेगा। लेकिन अगर बच्चे का स्पीच डिले हैं तो ये हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बच्चे को ऑटिज़म ही हो, है ना। उसके अलावा लैंग्वेज इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, स्पीच की इशू भी हो सकते हैं। तो अभी मैं आपके साथ कुछ ऐसे संकेत शेयर करने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे चिन्ह आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर वो आपका बच्चा करता है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा निश्चित रह सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज़म नहीं, लैंग्वेज इशू है। तो वो साइन क्या है जान लेते हैं। सोशल प्ले, यहाँ पर सोशल प्ले को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा 2 साल का है आपका, है ना, 2.5 साल का हो गया है, और जब वो खेलता है और आपने जब उसको देखते हो खेलते समय कि वो खेल के दौरान अन्य बच्चों के साथ भी सम्मिलित होता है, है ना, दूसरे बच्चे के साथ खेलना चाहता है, बड़ों के साथ खेलना चाहता है। सपोज करो अगर वो बैट बॉल खेल रहा है ना, तो वो आप बैट ला के आपको पकड़ाएगा और ख़ुद बॉलिंग करेगा, या बॉल आपको देगा और बैटिंग करेगा, आपको जहाँ पर वो खेल रहा है वहाँ से उठ के आपको पकड़ के अपने पास लेके आएगा खेलने के लिए। तो ये एक साइन है सोशल प्ले का, इसे हम सोशल प्ले बोलते हैं। एक टिपिकल बच्चा इस तरह से खेल खेलता है, लेकिन बच्चा जिसको ऑटिज़म होता है वो इस तरह के खेल नहीं खेलता, वो दूसरों के साथ सम्मिलित नहीं होता खेलों में, वो अपना अकेला ही खेलना प्रेफर करता है, और अकेले खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है उसको बजाय कि दूसरों के साथ इन्वॉल्व होकर खेलने में। एक संकेत हमारा आ जाता है जेस्चर का, जेस्चर से हमारा मतलब रहता है पॉइंटिंग से, कि अगर सपोज़ करो बच्चे की स्पीच नहीं है, बच्चे को अभी बोलना नहीं आया है, पर जब उसको कुछ चीज़ चाहिए होगा तो वो क्या करेगा, बड़ों को वो जो चीज़ उसको चाहिए उसकी तरफ पॉइंट करके बताएगा बड़ों को कि मुझे वो चाहिए। सपोज़ करो कि बच्चे को बबल्स चाहिए और बबल्स उसकी पहुँच से दूर रखा हुआ है, जहाँ पर वो वहाँ से ले नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा, बड़ों को लाएगा बुला के और उस बबल्स की तरफ पॉइंट करके बताएगा कि उसको बबल्स चाहिए। बोलेगा नहीं, लेकिन पॉइंटिंग के थ्रू वो उसको बताएगा। कुछ भी चीज़ होगा तो वो पॉइंटिंग ज़रूर करेगा, लेकिन जो बच्चे हमारे, जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है उनमें ये पॉइंटिंग नहीं पाया जाता, वो पॉइंटिंग नहीं करते किसी चीज़ के लिए भी, है ना। वो बड़े को खींच के ज़रूर लाएंगे, लेकिन उस तरह भी देखेंगे लेकिन पॉइंटिंग नहीं करेंगे। तो एक बहुत बड़ा ये एक साइन है, संकेत है, कि जो बताता है कि बच्चे को ऑटिज़म नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला संकेत हमारा आ जाता है इमिटेशन का, जिसे हम कहते हैं नकल करना। जब आप 2 साल के बच्चे के साथ बैठ के जब कुछ एक्शन करते हैं तो बच्चा आपको देखकर वो भी उसी तरह का एक्शन करेगा जैसे आप करेंगे। आपने हाथ ऊपर किया, टैप किया अपने सिर पे, तो बच्चा आपको देख के वो भी टैप करेगा। आपने राउंड राउंड किया तो वो भी आपको राउंड राउंड करेगा। आप बैंग बैंग करेंगे किसी टेबल पे तो वो भी करेगा, राउंड राउंड करेंगे तो वो भी आपको, मतलब सेम जैसा आप कॉपी कर रहे हैं, जो एक्शन आप कर रहे हैं वो उसको कॉपी करेगा। ठीक है, साउंड की कॉपी करेगा। आप जैसे आ बोलेंगे तो बच्चा भी आ करेगा, फिर आप ई, वो भी ई, मतलब वो इंटरेस्ट लेगा आप में, आपके जो भी एक्शन आप कर रहे हैं उसको सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश करेगा और करेंगे कॉपी। तो ये एक टिपिकल डेवलपमेंट, बच्चे इस तरह का बिहेवियर करते हैं। लेकिन हमारे बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है उनमें ये लैकिंग रहता है, है ना, वो इतना कॉपी नहीं करते हैं बड़ों को, बड़े के जो बड़े जो एक्शन कर रहे हैं उसकी नकल नहीं करते हैं, आवाज़ों की नकल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज़म नहीं हो सकता। एक और हमारा संकेत रहता है
वो हमारा स्किल रहता है वो है जॉइंट अटेंशन का। जॉइंट अटेंशन क्या होता है कि किसी भी एक चीज़ में, वस्तु में दो लोगों का अटेंशन जाना। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ करो कि एरोप्लेन उड़ रहा है ऊपर, ठीक है, या बटरफ्लाई उड़ रही है, तो बच्चा क्या करेगा, बटरफ्लाई को देख के खुश होगा कि बटरफ्लाई उड़ रही है, फिर वो आपको बड़ों को बुलाए खींचेगा या बड़ों को बटरफ्लाई की तरफ दिखाएगा पॉइंट करके कि बटरफ्लाई को देखेगा, फिर आपकी तरफ देखेगा, फिर बटरफ्लाई की तरफ पॉइंट करेगा कि देखो, मतलब बच्चा बोल नहीं रहा है लेकिन क्या है, एक अटेंशन वो कर रहा है, ग्रैब कर रहा है कि देखो कितनी सुंदर बटरफ्लाई है, मैं देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप भी देखो। एरोप्लेन उड़ रहा होता है तो उसकी तरफ इशारा करके खुश होते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, फिर बड़ों को देखते हैं, या बड़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। बबल्स करते हैं, हम क्या करें, बबल्स फुलाया हमने, बबल्स फुलाने के बाद बबल्स उड़ते हैं ऊपर, तो बच्चा खुश होता है, हैप्पी होता है, वो पॉप करेगा, फिर आपकी तरफ देखेगा आपका क्या रिएक्शन है, फिर पॉप करेगा, फिर आपकी तरफ रिएक्शन देखेगा। तो यहाँ पर इस तरह का जो स्किल्स रहता है ये एक टिपिकल बच्चों का रहता है, लेकिन बच्चे जिनको, हमारे बच्चों को ऑटिज़म है, वो इस तरह का बिहेवियर नहीं करते हैं, उनमें जॉइंट अटेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि हमारे बच्चों को लैंग्वेज का इशू है ना, ऑटिज़म होने की संभावना कम है। इसके साथ कुछ ऐसे साइन भी हैं, जैसे कि हमारे नेम टू रिस्पॉन्ड, हम बात करते हैं कि बच्चा जो है नाम पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, डेढ़ साल दो साल में तो बच्चे को आराम से रिस्पॉन्स करना चाहिए। हम बच्चे को बुलाते हैं तो बच्चे को नाम लेके बुलाएंगे तो बच्चा किसी भी सिचुएशन में हो जरूर मुड़ के देखेगा कि किसने बुलाया है, चारों कोनों से आप बुलाइए, हर दिशा से आप उसको बुलाएंगे तो ध्यान देगा। चाहे वो मोबाइल में गेम खेल रहा हो, वीडियोज़ देख रहा हो, टीवी देख रहा हो, है ना, 10 में से 7 टाइम तो देखेगा बच्चा। लेकिन बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है, ज़्यादातर जो है बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं नेम में, वो अपने उसमें मगन रहते हैं जो कर रहे हैं। इसी के साथ आई कॉन्टैक्ट का भी एक रोल रहता है, हम बोलते हैं कि आई कॉन्टैक्ट की कमी होती है, बच्चा आई कॉन्टैक्ट इतना नहीं देते हैं, लेकिन ये एक, कई बच्चे आई कॉन्टैक्ट देते हैं ऑटिज़म में, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी बच्चे ऑटिज़म में आई कॉन्टैक्ट नहीं देते, तो आपका बच्चा जो है सस्टेन आई कॉन्टैक्ट देता है, अच्छे से बना के रखता है आई कॉन्टैक्ट, नेम टू रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को एक लैंग्वेज का इशू हो सकता है, ऑटिज़म नहीं हो सकता। एक और स्किल्स की मैं बात करूँगा, जो बच्चा 2 साल का हो गया है, 2.5 साल का हो गया है, वो अकेले रहना पसंद नहीं करेगा, वो क्या करेगा कि समय समय पर बड़ों का अटेंशन लेने की कोशिश करेगा, बड़ों का साथ कंपनी लेने के लिए पसंद करेगा। सपोज़ करो बच्चे को आप कमरे में छोड़ दीजिए, और बच्चा क्या है थोड़ी देर में जो है, थोड़ी देर तो रहेगा लेकिन कुछ टाइम में बोर हो जाएगा, तो फिर वो बड़ों को ढूंढेगा, मम्मी पापा दादा किसी को ढूंढेगा, वो उनके पास आके लिपटेगा, उनके साथ खेलेगा, खेलेगा भी नहीं तो अपना अकेला खेलेगा लेकिन बड़ों की उपस्थिति में। लेकिन बच्चा जिसको ऑटिज़म है वो अपना अकेला खेलता रहेगा, हाँ उसको ब्लॉक से खिला दीजिए, ब्लॉक से खेलता रहेगा, कार चलाते रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है कि सामने कोई है या नहीं है, बड़ा है या नहीं है, उसको अपने ही धुन में वो रहना पसंद करेगा। तो इस तरह का एक साइन भी रहता है जो बताते हैं कि बच्चे को ऑटिज़म नहीं है। और ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी साइन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने जो है काफ़ी, क्योंकि मेरा फील्ड यही है, मैं इसी में वर्क करता हूँ, तो मैं काफ़ी वीडियोस वगैरह में देखा है, मैंने काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ा है मैंने, और इसी प्रोफेशनल में हूँ तो प्रोफेशनल से मेरी बातें होती रहती हैं, जो स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं उनसे बातें होती है, मेरी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से है ना, हमारी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक है उनसे बातें होती रहती हैं, तो हम जनरली इस तरह के टॉपिक निकल के आते हैं सामने, तो उसी के बेस में आपको ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं, है ना, तो ताकि आप भी थोड़ा सा रिलैक्स रहें, इतना टेंशन ना लें बच्चे को लेकर। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत से बच्चे अपनी एज अनुसार ही बोलते हैं, है ना, टाइम लेते हैं कि जिसका समय जितना, जो जितना समय लेगा अपने समय के अनुसार ही बोलेंगे, है ना, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि बच्चे का बोलने के अलावा और क्या क्या चीज़ें उसका आ रहा है, उसको है ना सोशलाइजेशन देखना ज़रूरी है, उसका प्ले देखने की ज़रूरत है, इमिटेशन देखने की ज़रूरत है, जॉइंट अटेंशन देखने की ज़रूरत है, जेस्चर क्या क्या इस्तेमाल करता है उसको देखने की ज़रूरत है, आई कॉन्टैक्ट, नेम टू रिस्पॉन्ड, ये चीज़ें गौर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन चीज़ों में आप ध्यान दीजिएगा बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे को अभी स्पीच डिले का इशू है, है ना, जो कंफ्यूज रह रहे हैं पेरेंट्स की कहीं ऑटिज़म तो नहीं है हमारे बच्चे को, उसी लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अगर कोई आपके कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतने का, नमस्ते।